आज आप जानते हैं और एक बात, इस कोर्ट में क्या किया उन्होंने, मैं अब जिंदगी भर स्ट्राइक नहीं कर सकता, मेरे साथ अन्याय हुआ, मेरे साथ मेरा पगार कम हो गया, मेरे नौकरी निकाल दिया या रिटेनमेंट कर दिया, कारखाना बंद कर दिया, या नहीं तो मजदूर का पगार एकदम कम कर दिया, तो भी मैं स्ट्राइक नहीं कर सकता। अब उन्होंने स्ट्राइक के क्या अमेंडमेंट किया, कोई भी स्ट्राइक इलीगल स्ट्राइक उन्होंने डेफिनेशन किया। इलीगल स्ट्राइक बोले तो जब भी इलीगल स्ट्राइक कंसिलिएशन बातचीत करते होकर इलीगल स्ट्राइक नहीं होना, वो किया तो इलीगल हो जाता बातचीत के वक्त में कंसिलिएशन। मैंने हमारा डिमांड नहीं हुआ बातचीत के अंदर तो नोटिस दिया स्ट्राइक का, तो नोटिस दिया तो ये कहते हैं कानून, अब नया कानून बोलता है यू शुड प्रज्यूम दैट कंसिलिएशन ऑलरेडी स्टार्टेड, स्ट्राइक देते ही कंसिलिएशन स्टार्ट होगा ये प्रज्यूम करना, और उसके ऊपर स्ट्राइक करेंगे आप तो इलीगल स्ट्राइक है, उसके लिए आपको जेल का शिक्षा है 2 बरस के लिए और उसके बाद 1,00,000 रुपये आपका जुर्माना है मिनिमम ये कानून में। क्या ये मजदूरों के लिए है, मालिक के लिए क्या है, कुछ नहीं है, उल्टा मालिक का जो सजा नॉन इम्प्लीमेंटेशन है, जो अग्रीमेंट होता है उसका वायलेशन करते हैं, कानून का वायलेशन होता है, मजदूरों के जो हक है उसका वायलेशन होता है,